अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली। मैंने सोचा मैं लॉन्ग ड्राइव पर तो जा रही हूँ, इट विल टेक अबाउट 40 मिनट्स। अलवी सर मेरे साथ हैं, हम एक बहुत अर्जेंट काम के सिलसिले में जा रहे हैं, ऑफिस में हमारी मीटिंग है डायरेक्टर के साथ। तो मैंने अपना स्केड्यूल इस तरह सेट किया आज के, मैंने मॉर्निंग में दो बच्चे बुला लिए थे स्टूडेंट्स, उनको टाइम दे दिया 12 to 1:30, ठीक है। और बाकी शाम का स्केड्यूल भी मैंने आगे कर दिया, टाइमिंग्स 1:05:30 पे कर दी हैं जो मेरे 4 स्टूडेंट शाम को आएंगे। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आप फ्लेक्सी टाइमिंग्स के साथ अपना स्केड्यूल एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी के साथ, थोड़ा सा माइंड मेकअप के साथ। ये नहीं करना कि जी अब हम क्या करें, उधर छुट्टी ये वो। ऑनेस्टली स्पीकिंग आप जिंदगी में तभी सक्सेसफुल होंगे जब आप हर चीज़ जो कैरी कर सकते हैं ना उसके साथ थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट एंड लोड मैनेजमेंट, ठीक है। मौसम का व्यू दिखाते हैं और आपसे बातें होती रहती हैं। सूरत मौसम ठंडा ठंडा, रिंग रोड है, यहाँ पर सामने का व्यू देखें, बादल आसमान पर हैं, अल्लाह ताला की कुदरत से गर्मी का मौसम ठंडा हो जाता है और हमारी स्वेटिंग कम हो जाती है। इस साइड पर बागात है, ये हल्लों की का गाँव है, तो यहाँ पर भी फसलें और सब्जे है और ये हमारे लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर है। जितने भी ट्रीज है ना दे आर ऑक्सीजन सोर्सेज। इधर देखें कितना खूबसूरत व्यू है, मैं आपको जरा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए जनाब, सब्जा ही सब्जा, ग्रीनरी ग्रीनरी। और मैं ये सोच रही थी अभी दिल में कि कराची सिटी को क्या हुआ है। कराची सिटी द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ द आवर कंट्री, इट हैज़ बिकम सो मच पॉपुलेटेड कि हमें डीफॉरेस्टेशन करके, दरख्तों की कटिंग करके वहाँ पर उनके लिए हाउसिंग करना पड़ी है और स्कूल्स बनाए गए हैं, ऑफिस बनाए गए हैं। ऑब्वियसली जब आप स्कीम्स बनाते हैं तो उनके अकॉर्डिंगली आप उनको एम्प्लॉयमेंट के जो अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं, आपको शॉपिंग सेंटर्स भी बनाना पड़ते हैं। तो कराची में इस वक्त 1 मिलियन ट्रीज़ की ज़रूरत है, 1 मिलियन ट्रीज़, यानी बिल्कुल 0.1% ग्रीनरी रह गई है। अब आप सोचें कितना सफोकेटेड वो हो गया एटमॉस्फेयर वहाँ पर, यानी वहाँ जो है ना सफोकेशन होती है हॉट एंड स्टफी डेज़ पर। मैं गई भी हूँ जब मेरी बेटी आगा खान यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के लिए गई थी अबाउट 1 ईयर, तो मैंने वहाँ रह के देखा था 2 डेज़। यानी आप स्वेटिंग करते हैं और एवरीबॉडी इज़ होल्डिंग अ ग्लास ऑफ वाटर विद हिम, सीना खुश्की नहीं हो रहा होता, वहाँ पर ट्रीज़ नहीं है, मॉइस्चर है, सी है उधर। तो अपने ज़िंदगी में आपने कभी मुझे सोच के कमेंट्स में बताएं आपने ट्रीज़ लगाए हैं, कोई पौधा लगाया है। गमले तो हैं ही हमारे घरों में और गमले के पौधे तो ख़त्म भी हो जाते हैं। अगर आपके घर में जगह नहीं है, लॉन नहीं है, कोई बात नहीं, तो आप गमलों में लगा सकते हैं, छत के ऊपर टेरेस गार्डनिंग कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। ये आप अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे, आपका घर भी ब्यूटीफाई हो जाएगा। डेकोरेटेड प्लांट्स जो हैं वो एक अच्छी ब्यूटीफुल लुक देते हैं आपके घर को, ठीक है। और आप अपने उसमें जो सराउंडिंग्स हैं उसमें ऑक्सीजन के सोर्सेज भी जो है ना वो जनरेट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। वन ट्री अबाउट जो है ना इतनी ऑक्सीजन देता है जो 33 नन्हे न्यू बॉर्न इन्फेंट्स के लिए सफिशेंट होती है। दूसरे नंबर पर वन ट्री 1 टन एसी के बराबर कूलिंग करता है। तो आपने देखा होगा घरों के बाहर लोग नीम ट्रीज भी लगाते हैं, कोई पपाया का ट्री लगा देता है रोड साइड पर, कोई कुछ लगा देता है। ये अच्छा है शेड बनाने से, आपके घरों के दरों दीवार ठंडे रहेंगे, आपको कूलिंग इफेक्ट मिलेगा और आपके घर के सामने ऑक्सीजन मिलेगी आपको। आपकी जो डस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको प्लांट्स के लीव्स की नन्ही स्टोमेटा एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बदले में आपको क्या देते हैं, साफ क्लीन एयर। यानी ये फिल्टर है, लंग्स ऑफ नेचर है। तो बरसात में ज़रूर ट्रीज़ लगाइए और मुझे बताइएगा कि आपने ये काम किया है कि नहीं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत दरख्त लगाए हैं, मैंने नीम का ट्री लगाया था जब मैं बस स्कूल गोइंग गर्ल, अभी मैंने घर में तो बेशुमार प्लांट्स लगाए हैं पॉट्स में। तो चलिए आपसे मुलाकात होती है, वी आर गोइंग टू रीच DHA। जी व्यूअर्स, इस वक्त 5 बज गए हैं एंड आई एम गोइंग होम। मेरा काम तो नहीं हुआ क्योंकि ऑफिस वाला बंदा जो है ना इज़ वेरी ग्रीडी एंड डिसऑनेस्ट पर्सन। मेरा कोई प्लॉट का मसला है, मुझे पोजेशन नहीं दे रहे हैं, दुआ कीजिएगा। तो इस तरह के भी एक्सपीरियंसेस करने पड़ते हैं, अपनी जंगें खुद ही लड़नी पड़ती हैं। कहते हैं ना वाइट फाइट फॉर योर राइट, नेवर मूव बैक, गिव अप नहीं करना। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से मेरा मसला हल हो जाएगा। मेरे साथ और भी लेडीज़ थी और अब मैं घर पहुँचूँगी, आई एम हंग्री, आई विल ईट समथिंग, जो भी घर में स्टफ़ है। और फिर मेरे स्टूडेंट्स कुछ आ रहे हैं और जो है ना वेट कर रहे हैं मेरा। सी यू लेटर, बाय।